अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। धार जिले की सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में माँ उमिया पाटीदार समाज दसई के तत्वावधान में 33वां रात्रिकालीन सामूहिक समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन की जिम्मेदारी पाटीदार समाज युवा संगठन के कार्यकर्ताओं के हाथों में थी। आयोजन में 53 जोड़े परिण्य सूत्र में बंधे। आयोजन में वैवाहिक स्थल पर ही सुरुचि भोजन की व्यवस्था की गयी, जिसके लिए संगठनों की टीम ने भोजन व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, जल व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, माइक व्यवस्था, वाहन पार्किंग व्यवस्था आदि संभाल कर रखी थी। विवाहित परिसीमन क्षेत्र सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे की निगरानी में रहा। आयोजन में व्यवस्था देखने वाले युवाओं की अलग अलग संगठनों की टीम का स्वागत समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में 20 से 25। यह आयोजन हम युवाओं के अथक परिश्रम से संभव हुआ है। इस आयोजन में बहुत मेहनत लगी और ये इसी कारण संभव भी हुआ है। कितने सामूहिक साल से हो रहा है? ये 33वां रात्रिकालीन सामूहिक विवाह है। मनोरंजन के क्या क्या साधन है? मनोरंजन के साधन बहुत है, मिक्की माउस से छोटे बच्चों के लिए और बहुत बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे। मेरा नाम प्रगति पाटीदार है। आज 33वां रात्रिकालीन सामूहिक विवाह समारोह पाटीदार समाज दसई का बड़ा गौरव का विषय है। 100 किलोमीटर लगभग वर वधु यहाँ पर आए हैं और 53 जोड़े इस सामूहिक विवाह समारोह में मांगलिक कार्यक्रम के निमित्त, वैवाहिक कार्यक्रम के निमित्त पधारे हैं। आज विवाह संपन्न हो रहा है। सभी के सहयोग से, सभी के मार्गदर्शन में आज का यह 33वां रात्रिकालीन सामूहिक विवाह समारोह। क्या क्या विशेष रहता है इसमें? इसमें बच्चों के खेलने की व्यवस्था, मिक्की माउस, बफेट व्यवस्था और आकर्षक झांकियां, फव्वारे और प्रतिभावान छात्र छात्राएं विभिन्न मेहमानों से मिलकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपका नाम? जीवन पाटीदार। पधारे सभी अतिथि महानुभाव का मैं हृदय से और मेरी पूरी युवा टीम और 33वां सामूहिक युवा समिति हृदय से उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये 33वां रात्रिकालीन सामूहिक युवा समारोह हमारे सभी युवा साथियों द्वारा अथक मेहनत और अथक प्रयास के द्वारा सफल हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भोजनशाला में महिलाओं के लिए एवं पुरुष के लिए पृथक पृथक व्यवस्थाएँ की गई है। उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था, उनके स्वल्पाहार की व्यवस्था और उनके मनोरंजन की सारी व्यवस्था हमने सुचारू रूप से की है। जैसा आप देख सकते हैं कि बच्चों के मनोरंजन के लिए हमने मिकी माउस की व्यवस्था की गई है। मनोरंजन के लिए हमने 4 झांकियां यहाँ पे लगाई गई है और 2 फाउंटेन भी लगाए गए हैं और हर एक चीज़ को हमने व्यवस्था के रूप में देखा है और हमारे सभी